गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित गेमिंग। हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर फाइन गाइस। वन मोर थिंग गाइस, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ए नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से एक बात बोलता हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें। तो यार, आपको एक बात बतानी है। तो मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे एक मेरे को मैसेज आया, तो भाई बोलते हैं कि आपके चैनल पे जाके मैंने लिंक कॉपी की और मैंने उठाई और ये उठा है मेरा, जो कि भाई का है। तो यहाँ पे 33 कमेंट्स दिखा रहे गाइस, और मैं आपको जो विनर मैं निकाला हूँ यहाँ पे बताता हूँ। 95 कमेंट्स है और टाइमिंग डिफरेंस है, ठीक है। तो एक बार भाई ने बोला था, भाई बार बार भी कर सकते हो, तो मैंने भाई को लिखा है मैं स्कैमर नहीं हूँ करके, तो आप वीडियो रोक के देख सकते हो भाई। तो भाई लिखा है यही आया था हमसे, आप फ्रॉड कर रहे हो। तो मैंने भाई को बोला, फिर भाई लिखते हैं कि नीचे तो मैं कब जीतूंगा। तो भाई आप नहीं जीतते हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। और आप उल्टे पुल्टे काम ना करें, आपको नहीं करना है मत करो। मैंने पहले ही बोल दिया था गिव अवे स्टार्ट होने से पहले, भाई जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो। तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, ऐसे लेवल लेवल के बंदे आते हैं, मैं क्या ही बोलूँ, कहाँ से आते हैं मेरे को पता नहीं। तो छोड़ो यार, अपन गेम की तरफ आते हैं। तो बंदे का नाम है रोमन वाईटी, अब पता नहीं वाईटी है नहीं है, बंदे का नाम है रोमन, और अपन खेलेंगे एपिक गेम, और बंदे का लेवल है 664, ठीक है। तो यार अपन खेलेंगे एपिक गेम भाई के साथ, मैंने एपिक गेम बोल दिया है, और तो यार कुछ मज़ेदार ही होगा। तो मेरे को पता नहीं भाई क्या खेलेगा, इनडायरेक्ट खेलेगा डायरेक्ट खेलेगा, और भाई कह रहा है इनडायरेक्ट पर्पल बॉल के साथ में, और ये परफेक्टली पास होते हुए, और भाई के पॉट हो गए दो बॉल, एक ब्रेक में पॉट हुआ था और दो अभी पॉट हुए पर्पल और ऑरेंज। तो देखते हैं भाई अब क्या खेलता है। और अब भाई जा रहे हैं, भाई के सेलेक्ट हुए सॉलिड्स बॉल, तो मतलब अपन के 3 स्ट्राइप्स भाई ने पॉट कर दिए, और भाई ने खेला है ऑरेंज बॉल को बहुत ही प्यार से। और अब भाई मेरे हिसाब से हो चुके हैं स्नूकर, ठीक है, अब हो चुके हैं स्नूकर। तो देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। मेरे को लगता है ग्रीन को खेल सकता है भाई, तो मगर ये एंगल गलत है, और ये अपने स्ट्राइप्स बॉल को टच हो गई, तो अपने को मिलेगा हैंड आई थिंक। जी हाँ गाइज, अपने को मिलेगा हैंड। तो अपन खेलेंगे ब्लू बॉल को, जो फंसे हुई है उसको निकाल लेते हैं पहले, और अपन खेलेंगे ब्लू बॉल को एक थोड़ा सा प्यार सा क्वेश्चन शॉट, थोड़ा सा बैक स्पिन यूज़ करके, और ये परफेक्टली डन होते हुए गाइज। और मेरे को यहाँ पे ग्रीन नहीं खेलना था, मेरे को यहाँ पे खेलना था येलो या ऑरेंज कुछ खेलना था, मगर कि मेरे को समझ नहीं आया, मैंने खेल दिया। बट ये एंगल मिस्टेक नहीं होता है गाइस, पोजीशन मिस्टेक होता है, क्योंकि प्रॉपर फोर्स यूज़ नहीं हो पाया बॉल के हिसाब से, तो इसीलिए ये शॉट आपका भाई मिस कर देता है। तो और यहाँ पे रोमन भाई खेलते हैं ग्रीन बॉल को, और खेलेंगे राइट डाउन पॉकेट में, तो देखते हैं भाई क्या कुछ होता है। और ये परफेक्टली चले जानी चाहिए भाई, इतना बड़ा लेवल है तो ये शॉट मिस होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी भाई खेलेंगे रेड बॉल को, मेरे हिसाब से ये भी पास हो जानी चाहिए, बट भाई ने बहुत ही गलत मार दिया है, मतलब एंगल थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो यार अब अपन खेलेंगे ग्रीन बॉल को राइट डाउन पॉकेट में, तो देखते हैं भाई क्या कुछ कर सकते हैं अपन। और मेरे हिसाब से तो चले जानी चाहिए, और ये पास हो गई गाइज। अब इसके बाद में गाइज अपन खेलेंगे रेड बॉल को, ठीक है। तो मेरे को रेड बॉल को खेलना था, अब मेरे को पता नहीं भाई क्या ही कुछ हो रहा है, मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में था, क्योंकि जो बंदे ने लिखा है ना भाई, मैं क्या ही बोलूँ, मैं गिव अवे क्यों करता हूँ भाई, अब क्या ही बोलूँ यार, छोड़ दो यार, बंदे अलग ही अलग लेवल के हैं, कहाँ से आते हैं मेरे को खुद को नहीं पता, और क्या ही बोलूँ भाई, बंदे को शर्म आनी चाहिए कि 95 कमेंट्स हैं, मैं 33 बता रहा हूँ एडिट करके, अब क्या ही बोलूँ यार, छोड़ दो, मूड ख़राब कर दिया है बंदे ने। और अभी तो है भाई का टर्न, तो मेरे को खेलना भी मन नहीं कर रहा है, कल शाम में खेल रहा था मैं। और ये ब्लू बॉल भाई ने पास कर दिया है, और पता नहीं भाई ऐसे लोग लिखते क्यों हैं। तो अभी खेल रहा है ब्राउन बॉल को मिडिल पॉकेट में, और ये परफेक्टली डन होते हुए, और ब्लैक जाने से रह गई गाइस। तो अब मैं भाई को बोलता हूँ ट्रिक और ट्रीट भाई, ट्रिक शॉट खेलेंगे। तो भाई बोलते हैं ठीक है भाई, ट्रिक शॉट ही खेलना है भाई, एपिक मतलब होता है कि ऑल बॉल इनडायरेक्ट खेलना है, और जो ब्लैक बॉल है उसको ट्रिक खेलना है, ठीक है। और तो भाई ट्रिक शॉट खेलेंगे, और भाई का ट्रिक शॉट लेवल देखना भाई, बहुत ही एपिक होता है, उस लेवल के लिए पहुंचने में ये लेवल तो लग जाता है 664। तो मेरे हिसाब से तो ये एंगल गलत है गाइस, ब्लैक के नीचे से गुजरेगी, और मेरे को पता नहीं भाई क्या कुछ कर रहा है, और ये फेल हो चुका है शॉट।
बट आखिरी में टच कर जाता है स्ट्राइप्स को टच करके, जब ब्लैक टच होता है तो हैंड मिल जाता है अपने को। तो अपन खेलेंगे येलो बॉल को। येलो बॉल को इसलिए खेल रहा हूँ गाइस, रेड को खेलता तो येलो नहीं बनती शायद से। थोड़ा सा फ्रंट स्पिन यूज़ करूँगा नीचे की तरफ जाने के लिए, और ये बहुत ही ख़राब पोजीशन मिल गई है। अब अपन खेलेंगे रेड बॉल को, जो कि खेलेंगे इसको राइट डाउन पॉकेट में, ठीक है। एक ट्रिक शॉट खेलते हैं, तो यहाँ जाता है यार वेटिंग फॉर अपोनेंट, तो बंदे की प्रोफाइल देख लेते हैं, प्रोफाइल चेक करते हैं, और विनिंग है 1000 बिलियन, 1800 बिलियन विनिंग है, तो बहुत ही एपिक यार। और आप देख सकते हो लिमिटेड एडिशन के रिंग्स पड़े हुए हैं, और आर्चन लेवल 2 पे है। तो भाई के क्लब में देखते हैं भाई, भाई इंडोनेशिया से है और ये क्लब ओपन हो नहीं रहा है, और फिलहाल अभी ओपन हो चुका है, और क्लब में भाई फर्स्ट पे लेके 400 मिलियन लेके बैठे हुए हैं, तो बहुत ही खूब यार। तो यार अपन ये रेड बॉल को ट्रिक शॉट खेलेंगे एक राइट डाउन पॉकेट में, तो देखते हैं भाई। अभी तो फिलहाल पास हो जानी चाहिए, और ये फेल हो गई गाइस। मैं इसीलिए फेल हो गई कि जो ब्लैक बॉल थी ना गाइस, आप देख सकते थे अगर टच होता तो ये सीधा अंदर चले जाता, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने एंगल इधर उधर कर दिया, वरना ये परफेक्टली डन हो जाती। और अभी आ चुका है भाई का चांस, तो देखते हैं भाई ब्लैक को किस तरह खेलते हैं और कहाँ पे खेलते हैं, मेरे को पता नहीं भाई। अभी सोच रहे हैं कहाँ पे खेलना है कहाँ पे नहीं खेलना है, भाई सोचना पड़ता है, ऐसे ऐसे एंगल मिल जाता है तो सोचना तो पड़ता है। तो भाई सोच रहे थे कॉर्नर को मारूंगा तो सीधा लेफ्ट साइड पे आएगी, बट भाई का बॉल थोड़ा इधर उधर घुस जाता है। तो यार अब अपना बारी है रेड बॉल पे, तो रेड को खेलेंगे यार डाउन साइड पे, लेफ्ट डाउन पॉकेट में। और भाई अब मैं आपको मेरा एक ट्रिक शॉट बताता हूँ, जो मेरे को पोजीशन मिली थी उस तरीके से। तो अब अपन ट्रिक शॉट बताते हैं एक, जो कि फेल हो जाता है, पास होता नहीं है, फेल हो जाता है यार। और बताना ये ट्रिक शॉट किस तरीके से था, और मिडिल पे रहती तो क्या होता बॉल के साथ में, ठीक है। तो कमेंट में बताना मत भूलना ट्रिक शॉट कैसा था। और देख रहे हो यार ब्लैक बॉल अगर मिडिल में होती तो पक्का पॉट हो जाती, बट ये ब्लैक बॉल थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे था, तो इसीलिए अपन स्क्रैच हो गए। तो अब भाई को मिल जाता है हैंड, तो भाई खेलते हैं मिडिल पॉकेट में, ठीक है। तो ये मिडिल पॉकेट का एंगल यही था भाई, थोड़ा सा और नीचे करना था, तो भाई पता नहीं मेरे को एंगल सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत कर देते हैं। और ये 4 टप्पे का शॉट होगा, 1 2 3 4, और भाई ये जा रही है लेफ्ट टॉप में, ठीक है, लेफ्ट टॉप में जा रही है भाई, ये मिडिल में नहीं जाएगी। अब मेरे को पता नहीं भाई ने क्या कैलकुलेशन किया है क्या नहीं किया है, और ये देख सकते हो आप लेफ्ट टॉप में घुस गई। तो यार वीडियो का एंड होता है इसी शॉट से, तो तुम्हारा भाई जीत चुका है गेम। तो यार मैं और एक गेम दिखा देता हूँ आपको, वीडियो एंड नहीं होता है, और एक गेम बता देता हूँ आपको रोम के अंदर, जो कि अपन लगाए थे गेम मिगुएल एंजेलियो से, 191 लेवल है भाई का। तो देखते हैं भाई क्या कुछ कर सकते हैं। अपन बंदे को बोले थे एपिक गेम, पर बंदा खेला नहीं एपिक। अपना ब्रेक है तो भाई ब्रेक खोल के बोलते हैं बंदे को एपिक गेम, और अपनी वाइट बॉल भी स्क्रैच हो गई। तो यार अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, तो एपिक बोलना बनता है भाई। और मैंने बंदे को बोला एपिक गेम, तो बंदा क्या बोलता है देखो। आई नेवर आस्क फॉर दिस, मतलब बंदा डायरेक्ट खेलना चाहता है, तो भाई कोई नहीं यार, उसका गेम है उसकी मर्ज़ी, तो खेलने दो यार। तो अभी बंदा स्ट्राइप्स बॉल के साथ में जा रहा है। तो यार अभी एक सीरीज़, जैसे कि मैंने बोला था, अगर आप वीडियो के यहाँ तक बने हो तो ये सीरीज़ सुन लो भाई। मैंने जैसे कि सीरीज़ बोला था भाई, एक बंदे को सेलेक्ट करूँगा, टॉप 10 कमेंट्स में से एक बंदे को सेलेक्ट करूँगा, और उस बंदे के साथ मैं खेलूँगा एपिक गेम। तो यार वो 3 बोला था मैंने, 3 मैचें में से 2 मैचें जीतनी है, ठीक है। तो यार अब वो प्लान कैंसिल हो चुका है, मतलब 5 गेमें खेलनी है, 5 में से जो 3 जीता, बेस्ट ऑफ 5, 5 गेमें खेलनी है, 5 में से जो 3 जीता भाई उसको 100 मिलियन का अकाउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरे से जीत जाते हो तो आपको 100 मिलियन का अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ सीरीज स्टार्ट हो रहा है, और वीक में 2 बार होगा, ठीक है भाई, और वीक में 2 बार होगा। तो आज मैं उसको सेलेक्ट करूँगा कौन सा बंदा है। तो यार व्हाट्सएप नंबर नीचे मत देना भूलना, व्हाट्सएप नंबर दे देना अपना। तो यार अपन खेलेंगे यार, और 100 मिलियन लेके जाओ यार आपके भाई को हरा के। तो यार कुछ इस तरीके से सीरीज स्टार्ट की है, और किस तरह लगा बता देना कमेंट में। और गाइस जो भी अभी तक चैनल पे नए हो गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो यार तुम्हारा भाई इसमें कुछ क्वेश्चन शॉट्स भी खेलता है, लाइक ब्राउन बॉल को खेलता हूँ जैसे कि मैं डबल क्वेश्चन शॉट और ये परफेक्टली डन हो जाती है। और गाइस अपन खेलेंगे रेड को, अब मैं खेल रहा हूँ ग्रीन बॉल को और ये पास हो जाती है वरना आगे जाके दिक्कत भी दे सकती है। तो अब अपन खेलेंगे ऑरेंज बॉल को, ठीक है। ऑरेंज बॉल को थोड़ा सा स्लो मो मारेंगे क्योंकि अपना पर्पल बॉल जो है उसको डालने का चांस है नहीं, तो एक सिंगल बैंक शॉट प्यार से खेल लेंगे और ऑरेंज को डन कर देंगे वहाँ से। देख सकते हो ऑरेंज फिनिश हो जाएगी, ऑरेंज बोल रहा हूँ, पर्पल बॉल सीधा अंदर। और अब अपन खेलेंगे रेड बॉल को डाउन पॉकेट में, क्योंकि अगर अपन नीचे खेल लेते हैं तो ब्लू बॉल की पोजीशन इतनी गंदी बन जाएगी और अपने स्क्रैच होने के चांसेस बहुत ही रहेंगे, ठीक है। तो अपन खेल लेंगे रेड बॉल को और अपन खेल लेंगे अब ब्लू बॉल को डाउन पॉकेट में, ठीक है। तो डाउन पॉकेट में खेल लेंगे, उसके बाद में बचता है अपना ब्लैक। तो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पे खेलूँगा। तो यार अपनी बॉल रुकती नहीं है, अपनी बॉल सीधा सीधा बहुत ही येल्लो के करीब चले जाती है। तो यार अब तुम्हारा भाई सोचता है कि सिंगल बैंक शॉट खेलूँगा तो कोलाइड हो जाएगी, कोलाइड होने के 99% चांसेस है, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता और मैं इसको खेल लूँगा टॉप में, मतलब डबल टप्पा शॉट, ठीक है। डबल क्वेश्चन शॉट खेल लूँगा, थोड़ा सा राइट स्पिन, फुल राइट स्पिन यूज़ करता हूँ ताकि बॉल स्ट्रेट जाए। और देख सकते हो आप गेम फिनिश होता है और आपके भाई ने जीत गया है गेम। तो यार कॉइन्स वॉइस वाई करने हो तो व्हाट्सएप पे आ जाओ यार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, वीडियो का एंड होता है यहीं पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।